ये 200-400 पहले का मंदिर है जी, बहुत प्राचीन मंदिर है ये जी। और बाबा जी यहाँ पर तीन शिवलिंग है। अच्छा, जो बीच वाली शिवलिंग है वो बाजार लोग से है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय कुबेर स्थान में स्थित, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुबेर स्थान का मार्केट। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये जो रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये है पडरावना और पट्टी वाला रोड। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे पीछे मेरे गेट है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है कुबेर स्थान का मंदिर का मेन गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर, अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं आप लोग। वीडियो लास्ट तक बने रहिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यह तुरपट्टी और पडरावना वाला रोड, और काफ़ी अच्छा रोड है, देख सकते हैं आप लोग। और इधर है सामने रोड, और चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं फाइनली, ये देख सकते हैं, ये है मार्केट कुबेर स्थान मंदिर के गेट पे ही ये सब्जी का मार्केट लगा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये मार्केट का सीन, ये है प्रसाद का दुकान, देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग अंदर आ चुके हैं, और देख सकते हैं ये है पीछे मार्केट, जो कि यहाँ पे सब्जी वब्जी का दुकान लगा है, और यहाँ पे फूल वूल और जो है प्रसाद वसाद का दुकान है, देख सकते हैं आप लोग। यह गेट, चलिए चलते हैं अंदर, अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी का मार्केट लगा है, और काफ़ी बड़ा मार्केट है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फाइनली अंदर, और दोस्तों मैं बता दूं कि खानेमारे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे, और तुरपट्टी से करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है कुबेर स्थान मंदिर। और देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा मंदिर का गेट। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ कि ये भोलेनाथ शंकर जी का मंदिर है, और यहाँ पर कुआँ है, देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी पुराना प्राचीन काल का कुआँ है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर एक हैंडपाइप था, हैंडपाइप को निकाल दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये है हवन कुंड, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है मार्केट वर्केट लगा है, आपको मैंने दिखाया जैसा कि। चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिए, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं दोस्तों, एक कुआँ है प्राचीन काल का, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है मंदिर का मेन गेट। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहती हैं, यहाँ पर दो है, और एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है लोकनाथ का मास्क उसके लगाने वीडियो लोकनाथ। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अंदर, देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अंदर, और देख सकते हैं दोस्तों, ये है मंदिर का पूरा सीन, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हैं पंडित जी, आइए आपको दिखाते हैं बैक कमरे से, और पंडित जी से भी जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में। तो आप लोग वीडियो प्लास्ट तक बने रहिए, देख सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों, हम लोग वो जो लाइन देख रहे हैं, सावन के समय काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और काफ़ी लंबी कतार लगती है दर्शन के लिए। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, दो दो घंटा लाइन में लगे रहते हैं। और यहाँ पे है भोलेनाथ जी का मंदिर, चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रेलिंग देख रहे हैं आप लोग, सावन के समय काफ़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन के लिए और काफ़ी भीड़ लगता है। और जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि मैं भी जो है कुबेर स्थान का नाम सुना था, लेकिन मैं कभी आया नहीं था और यहाँ पे आकर के काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग जो भोलेनाथ शंकर जी का, और यहाँ पे पार्वती जी का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पूरा सीन देख लीजिए आप लोग, आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, आप लोग ब्लू प्लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है रेलिंग जो यहाँ से लोग जल उल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पूरी आपको दिखाने के लिए प्रयास करूँगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है, पूरा सीन देख लीजिए आप लोग मंदिर का। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आप लोग जब भी आते हैं आप लोग पड़ावना या तिरुपट्टी, तो आप लोग जरूर आइए कुबेर स्थान मंदिर पे। तो दोस्तों, हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब चलिए दिखाते हैं आपको आसपास का सीन। और जो यहाँ के पंडित जी हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी लेते हैं कुबेर स्थान मंदिर के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी लॉकडाउन का समय चला है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है, नहीं तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन के लिए। और देख सकते हैं आप लोग, चलिए चलते हैं और आसपास का सीन दिखाते हैं। तो वीडियो पर आज तक बने रहिए, बस आप लोगों से आप लोगों को हम बताएं। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को जो है शिव मंदिर का दर्शन कराया जो कुबेर स्थान है। और चलिए यहाँ के आसपास का सीन देख सकते हैं, यहाँ पे हैं पंडित जी लोग बैठे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम भी जानकारी लेंगे कि इस मंदिर के बारे में जो है कब कब मेला लगता है यहाँ पे। जैसा कि हमने भी सुना है सावन में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पड़ावना और तिरुपट्टी के काफ़ी नज़दीक है। जब भी आप लोग आते हैं तिरुपट्टी पड़ावना, तो आप लोग जरूर आइए कुबेर स्थान। और खनवारे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था खनवारे मंदिर का सीन, तो आप लोग यहाँ पर भी आइए, आप लोग दर्शन करिए। और हम लोग दर्शन कर चुके हैं कुबेर स्थान जो मंदिर था, और यहाँ पर जो है यहाँ के बाबा जी हैं कुबेर स्थान के। तो आइए सबसे पहले बाबा जी आपको नमस्कार। तो बाबा जी थोड़ा और आगे जी, तो बाबा जी ये बताइए ये मंदिर के बारे में, कितना प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, कब कब मेला लगता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये 2-400 पहले का मंदिर है जी, बहुत प्राचीन मंदिर है ये जी, और भगवान शिव का मंदिर है जी। और फागुन 13 जी और बैसाख 13 जी और एक महीना सावन जी, यही मेला लगता है जी। और बहुत काफ़ी भीड़ होती है यहाँ, लोग लाइन लगा करके पूजा करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी कतार में यहाँ पे श्रद्धांजलि आते हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे और दर्शन करते हैं। और कुबेर स्थान जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पड़ावना के काफ़ी नज़दीक है और तिरुपट्टी के। तो जब भी आप लोग आते हैं, जैसा कि बाबा जी ने बताया, करीब करीब 200 से 300-400 साल पुराना ये मंदिर है। तो आप लोग जब भी आते हैं तो आप लोग कुबेर स्थान आइए। और बाबा जी यहाँ पर 3 शिवलिंग है। अच्छा, जो बीच वाली शिवलिंग है वो बता लोग से है जी। और लोग बताते हैं रावण के भाई कुबेर थे जी, वही आके यहाँ पूजा किए थे। अच्छा, और वो अपने तपस्या के बल पर जी शिव को पकड़ किए थे जी, वही उससे पूजा इनका पार शुरू हो गया है। इसे बाबा धाम की पूजा है, उसे यहाँ की पूजा है जी। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं, जैसे बाबा धाम की मान्यता और यहाँ की मान्यता सेम बराबर ही है। जैसा कि और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट देवरिया में रुद्रपुर मंदिर है, कभी मौका मिलेगा तो मैं वहाँ का भी सीन दिखाऊंगा। जैसा कि बता रहे हैं बाबा जी कि यहाँ पे जो रावण के जो भाई थे कुबेर, जो यहाँ पे आए थे पूजा किए थे, काफ़ी पुराना और प्रचलित मंदिर है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग आते हैं, आप लोग जरूर से ज़रूर आइए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। आप थोड़ा बता दीजिए मेला कब कब लगता है यहाँ पर। मेला फागुन के 13 में लगता है और बैसाख के 13 में लगता है, पूरा एक महीने सावन में लगता है। और शुक्रवार सोमवार को बराबर मेला ही लगता है, और मलमास में यहाँ पर एक महीने मेला लगता है।
जैसा कि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी यहाँ पे जैसे 4-5 मेला के बारे में जानकारी दिया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था कुबेरा स्थान मंदिर का वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मंदिर खुलने का टाइम जो है सुबह 4 बजे और बाबा जी शाम को दोपहर 4 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे मंदिर खुला रहता है। तो आप लोग आइए दर्शन कीजिए, और इस वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।